देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र के मुंबई की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 998 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 25 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के आंकड़ों को देखा जाए तो हर घंटे में एक मरीज की जान गई है। मुंबई में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 16,579 हो गई, जबकि 621 लोगों की जान चली गई है। कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से देश को जकड़ रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 27,524 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1602 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 10,019 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने मुंबई, MMR, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद और मालेगांव लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।